कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई और यहाँ की हाउसिंग क्राइसिस का असर अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा। और क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा आना पसंद करते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला, यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो एक्सपेंस ऑफ लिविंग अलाउंस है, जो एक अमाउंट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट को दिखाना होता है अपना स्टूडेंट्स परमिट लेने के लिए, वो अभी तक 10,000 कनेडियन डॉलर था। इसको बढ़ा करके अब 20,635 कनेडियन डॉलर्स कर दिया गया है। ये लगभग एक तरह से डबल अमाउंट कर दिया गया है। तो अभी तक जो भारतीय स्टूडेंट लगभग 6,00,000 रुपए दिखा रहा था GIC अकाउंट में डालने के लिए, जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं यानी कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी गुजारने के लिए, खाने पीने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, वो अब बढ़ के ये अमाउंट लगभग 12,00,000 रुपए का हो जाएगा। ये अमाउंट सिर्फ एक बार ही छात्र को दिखाना होगा यानी कि स्टूडेंट को दिखाना होगा, लेकिन ये जो अमाउंट है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये अमाउंट जो स्टूडेंट है वो एक GIC अकाउंट में डालता है। और ये एक ऐसा अकाउंट है कि जब स्टूडेंट कनाडा आ जाता है तब उसको हर महीने एक इंस्टॉलमेंट के तौर पर ये अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ हाउसिंग क्राइसिस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, ना केवल अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए लेकिन यहाँ के खुद के कनेडियन लोगों के लिए भी, उसका भी एक असर यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि फेडरल सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो यहाँ के प्रोविंसेस हैं यानी कि एक तरह से जो यहाँ के प्रदेश हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे हाउसिंग हैं कि स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे, और उसके चलते ही फिर फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है यहाँ की, वो उस प्रोविंस को वीज़ा देगी। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर प्रोविंस, जैसे समझ लीजिए ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के पास हाउसिंग की क्राइसिस चल रही है, तो जो केंद्र सरकार है वो यहाँ के लिए जो स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उसका नंबर घटा देगी। तो यहाँ के प्रोविंसेस यानी कि प्रदेशों पर एक तरह से भार डाल दिया गया है कि वो हाउसिंग क्राइसिस का कुछ बंदोबस्त करें।